सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों आइए आज घूमने चलते हैं पार्क में। किसके साथ? गांव से आए चाचा जी के साथ। एक्टिविटी करवाई थी है ना, मैंने भी करी थी। मैंने तो पिंक कलर में बनाई थी। अरे बच्चों, ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ खेलते क्यों नहीं? चाचा जी हम खेल खेल कर थक गए हैं, अब हमें बैठना है। अच्छा अच्छा बैठ जाओ। चाचा जी कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ चाचा जी कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ चाचा जी बड़ा मजा आएगा। हाँ जरूर सुनाता हूँ। अच्छा बच्चों, कभी आपने किसी मुश्किल को अपनी समझदारी से हल किया है? कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। कैसे? जैसे आज की कहानी में किसान अपनी समझदारी से मुश्किल को हल कर लेता है। और पहले ही बता दूं आप सबको, इस कहानी में खूब मजा आने वाला है। तो जानना चाहोगे क्या होता है किसान के साथ? आइए देखते हैं। एक बार की बात है, एक किसान खेत जोत रहा था। खेत जोतने का अर्थ तो समझते हैं ना आप? खेत जोतने का अर्थ है जमीन को ट्रैक्टर या हल की सहायता से खेती योग्य बना देना, मतलब मिट्टी को खोल देना। चलिए तो लौटते हैं कहानी की ओर। एक बार किसान खेत जोत रहा था और वहां पे अचानक से भालू आ गया। भालू ने किसान पर हमला कर दिया। किसान एकदम डर गया और किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा। अब वो बेचारा क्या ही कहता। भालू ने सोचा कि फसलें तो जमीन के ऊपर लगती हैं, तो उसने चालाकी से कहा, भूमि की ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान भी कम चतुर थोड़ी था। इस बार किसान ने आलू बो दिए। तो बच्चों आपको तो पता है ना कि आलू जमीन के नीचे उगते हैं। तो जब फसल हुई तो भालू को क्या मिला? पत्ते। हाँ भालू को मिले पत्ते खाने को और भालू तो चिढ़ कर रह गया। अब की बार जानते हो भालू ने क्या कहा होगा? हाँ शायद भालू ने यही कहा होगा कि अगली बार ऊपर की उपज होगी तो ऊपर की उपज ही मांग लेता हूँ, या फिर ये कहा होगा कि नीचे की उपज मेरी रहेगी और ऊपर की तुम्हारी। भालू ने बहुत सोचकर कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। आप जानते हो भालू ने ऐसा क्यों कहा होगा? हाँ भालू ने यही सोचा होगा कि इस बार तो आलू की तरह नीचे की उपज मेरी ही होगी। किसान तो समझदार था ही। इस बार किसान ने गेहूं बो दिए। जब फसल हुई तो किसान को मिले चमकीले सुनहरे गेहूं। और जानते हो भालू को क्या मिला? भालू को मिली जड़े। भालू तो खींच कर रह गया। भालू किसान से बहुत बार हार चुका था, तो इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। भालू ने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। और किसान मान भी गया। अब सोचिए भालू ने ऐसा क्यों कहा होगा? हाँ भाई, उसने यही सोचा होगा कि फसल भूमि के ऊपर होगी या नीचे, जो भी होगी वो मुझे ही मिलेगी। अब सोचिए इस बार किसान ने क्या उगाया होगा? गन्ना। बिल्कुल सही सोचा आपने। कोई ऐसी फसल जिसमें भूमि के ऊपर की और नीचे की फसल भालू को दी जा सके। तो इस बार किसान ने उगाया गन्ना। और जब उपज हुई तो भालू को मिले ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़े। भालू का तो सिर ही चकरा गया। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी आपको? मजेदार थी ना? कैसे किसान ने समझदारी से अपनी फसल बचाई। तो अब आप भी सोचिए और अपने दोस्तों को बताइए कि अगर आप किसान की जगह होते तो आप क्या करते। हाँ तो बच्चों कहानी आपने सुन ली और इसका आनंद भी लिया और साथ ही किसान की समझदारी की सराहना भी की। तो आइए
अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आइए अब इस मजेदार कहानी से कुछ नाम वाले शब्द ढूंढते हैं, जैसे किसान, खेत, भालू, उपज, भूमि, गेहूं, जड़ें, आलू, पत्ते, गन्ना। मजा आया ना बच्चों इस गतिविधि को करने में? इस कहानी में से हमने कुछ नाम वाले शब्दों को ढूंढा और इन्हीं नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। किसान इस कहानी में भूमि के नीचे की उपज के लिए आलू बोता है, भूमि से ऊपर की उपज के लिए गेहूं बोता है। आप भी किसान की तरह सोचकर बताइए कि भूमि के नीचे की उपज आलू के अलावा और कौन कौन सी होगी, जैसे प्याज, मूंगफली, शकरकंद। इस तरह आप और भी नाम सोचिए और अपने शिक्षक और दोस्तों के साथ साझा करते रहिए। भूमि के नीचे की उपज का तो आपने पता कर लिया, अब हमें बताइए कि भूमि के ऊपर की उपज गेहूं के अलावा और कौन कौन सी होगी। सोचिए जरा, जैसे दालें, सरसों, मक्का, और भी हो सकती है, पता कीजिए। ये बताइए, क्या गन्ने की फसल की तरह भी कोई और फसल हो सकती है जिसमें ऊपर की उपज में पत्ते आदि हों और नीचे की जड़ें हों? हाँ, अनानास। अब आप अनानास की तरह और भी कोई फसल हो सकती है उसके बारे में सोचिए। कोई भी वाक्य विराम चिन्ह की वजह से ही ठीक समझा जाता है और विराम चिन्ह के साथ ही वो वाक्य पूरा माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, भालू किसान पर झपटा। अब बच्चों देखिए कि ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन यदि इस वाक्य के अंत में हम विराम चिन्ह लगाते हैं तो ये वाक्य पूरा माना जाता है। इस तरह से भालू किसान पर झपटा। एक और वाक्य देखते हैं, मुझे क्यों मारते हो। अब इस वाक्य को देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम इस वाक्य को प्रश्न सूचक चिन्ह से पूरा करते हैं। अब इस वाक्य के अंत में हम लगाएंगे प्रश्न सूचक चिन्ह इस तरह से, तब ये वाक्य पूरा माना जाएगा। इसी तरह के कुछ और वाक्य भी हैं जिन पर आप सोच समझकर विराम चिन्ह लगाइए। उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। हम ये काम कैसे करेंगे? किसान को मिले चमकीले गेहूं। अब ये वाक्य देखिए, किसान ने भालू को पाठ पढ़ाया। और अब दूसरा वाक्य देखिए, किसान की चतुराई से भालू का सिर चकरा गया। अब यहाँ पर मैंने दोनों वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया है, पाठ पढ़ाना और सिर चकराना। इसी तरह आप भी दो वाक्य बना सकते हैं। देखा आपने कि इस कहानी में भालू ने बहुत चतुर बनने की कोशिश की और उसने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरह से किसान की मेहनत से उपजाई फसल को वो हथिया ले, पर किसान की समझदारी से वो ऐसा नहीं कर पाया और उसे कोई भी उपज नहीं मिली। तो बच्चों जरा कल्पना कीजिए, यदि आपके स्कूल में ये कहानी वाला भालू आता है तो आप क्या करेंगे और आपको मिले उससे बातचीत करने का मौका, जरा सोचिए इसके बारे में। तो कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी किसान की होशियारी? न सिर्फ इसे आपने देखा और सुना भी, बल्कि बहुत अच्छे से समझा भी। इस कहानी से जुड़े हमने बहुत सारे अभ्यास भी किए जिन्हें करके आपको बहुत आनंद आया होगा। तो आज की कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं, आपसे पुनः मिलूंगी एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए इतना ही कहूंगी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेल खेल में बहुत कुछ सीखते रहिए। नमस्कार।